बीजेपी और जेडीयू के बीच वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय मयूख ने कहा कि तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपने घुटने टेक दिए हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार से एमएलसी संजय मयूख, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से हम देख रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? नीतीश सरकार मत कहिए, तेजस्वी सरकार कहिए, क्योंकि सरकार तो घुटने टेक चुकी है। सरकार की आत्मा बदलती रहती है, तो ये आत्मा बदलने के खेल में जो बेमेल गठबंधन हुआ है, ये बेमेल गठबंधन उस गठबंधन के साथियों को मुबारक हो, क्योंकि हम विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज बिहार के प्रमुख नेताओं की बैठक केंद्रीय कार्यालय में हो रही है। हम सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि बिहार के विकास के प्रति हम समर्पित हैं। और जब से यह केंद्र की सरकार है, निरंतर बिहार विकास में अभूतपूर्व योगदान कर रही है। इसलिए बेमेल गठबंधन को हम पूरे तन्मयता के साथ, पूरे संघर्ष के साथ उसका पर्दाफाश करेंगे और संघर्ष करेंगे। हाँ सर, आप बेमेल गठबंधन बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि तेजस्वी के साथ अब वो आ गए हैं, 10 ने 20 लाख नौकरी देंगे। बिहार की एक लोकप्रिय कहावत है, की परसैछी गप लियो लप के लप, गप परोसने में कोई कोताही मत बरतिए। मेरा सीधा अनुरोध है, बिहार की जनता के साथ कोई छलावा मत करिए। ठीक है, बहुत दिनों से साफ तौर पर कहना है कि बिहार की जनता के साथ छलावा ना करें नीतीश और तेजस्वी यादव। क्या सनापू पाठक के साथ विनित कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो संजय मयूख ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ छलावा है, गप परोसा जा रहा है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, जिस भी क्षेत्रीय भाषा का जिक्र कर लीजिए, कहावतों के साथ कैसे चीजों को बताना है, कैसे परोसना है, कैसे रखना है, यहां पर इस कहावत के साथ संजय मयूख ने भी यह जाहिर कर दिया कि चुनौतियां हमारी तरफ से पेश की जाएंगी, पर्दाफाश किया जाएगा। कितना पर्दाफाश होता है, जनता कैसे स्वीकार करती है, कैसे चीजों को लेती है, ये वक्त बताएगा। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।